नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के मुगलिया छाप गांव में पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ, राम भक्त हनुमान के मंदिर पहुंचकर की पूजन अर्चना। स्वस्ति वाचन के बीच मंदिर में कमलनाथ ने की पूजा। मंदिर में पूजन अर्चन के साथ ही मध्य प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की कमलनाथ ने शुरुआत की। वहीं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ प्रधान कार्यालय में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रांतीय अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सिसोदिया ने ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के बाद प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा, कर्मचारी राष्ट्र हित में कार्य करते रहेंगे और आज हमारा देश निरंतर तरक्की की ओर अग्रसर है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय मजदूर संघ महामंत्री मधुकर सावले एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। सर, आज 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, इसमें आप देशवासियों में किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे? 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारी भाई बहनों को और साथ में प्यारे बच्चों को भी 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बड़े प्रसन्नता का विषय है कि हम भी एक ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं जिसमें काम करने का हमें मौका मिला है। राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है और हम भी नारा देते हैं, राष्ट्र हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे काम। इस राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर हमारे भारतीय मजदूर संघ ने 1978 में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की स्थापना की और उसी राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर सतत गंगा में हम बहते चले आ रहे हैं। जिस तरह हमारा भारतीय लोकतंत्र 73 वर्ष पूरा कर चुका है, उसी तरह राज्य कर्मचारी संघ भी अपने 42 वर्ष पूरे कर चुका है और साथ में राज्य कर्मचारी संघ के सदस्य एवं कार्यकर्ता सभी राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत रहते हैं, भारत माता के लिए हमेशा समर्पण की भावना रखते हैं और हम इसीलिए नारा देते हैं, राष्ट्र हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे काम। मैं सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और सभी कर्मचारी, छोटे बड़े सभी भाइयों बहनों को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और साथ में अपेक्षाएं रखता हूं कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ राष्ट्र के हित में काम करते रहेंगे। राष्ट्र परम वैभव की ओर हमारा बढ़ रहा है। अखंड भारत का जो प्रकल्प हमारे मन में था, हम देख रहे हैं कि आज हमारे देश में राष्ट्रवादी सरकार बैठी हुई है और वो भारत को ऊंचाइयों की ओर ले जा रही है। आज गणतंत्र दिवस आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।